Hi, this is Polly Van Teachers. Welcome back to my YouTube channel. Hope you like this video. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ. कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास. तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एक बार एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था. उसके दरबार में एक दिन एक विदेशी आगंतुक आता है और उस विदेशी ने राजा को उपहार के रूप में एक सुंदर सा पत्थर दिया. राजा बड़े खुश हुए. उन्होंने सोचा कि इस पत्थर से वो एक मंदिर बनवाएंगे जिसमें इस पत्थर की एक विष्णु भगवान की मूर्ति वहां पर लगवाएंगे. उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आज्ञा दी, उनको ऑर्डर किया कि वो शहर के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलवाकर उसे ये पत्थर सौंपे और एक बढ़िया सी, बहुत ही सुंदर सी विष्णु जी की मूर्ति तैयार करवाए. अगर ये काम, अगर ये मूर्ति 7 दिन में पूरी हो जाती है तो उस मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी. मंत्री ये सुनकर तुरंत शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार से मिलते हैं और उन्हें वो ये पत्थर सौंप देते हैं और उनसे कहते हैं कि राजा का यही निर्णय है, आप इस पत्थर से एक सुंदर सी, बढ़िया सी विष्णु जी की मूर्ति तराशते हैं और वो भी 7 दिनों के अंदर, तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं तोहफे के रूप में, पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी. मूर्तिकार बड़ा खुश. अब उसने अपना औजारों का एक बैग उठाया, उसमें से काफ़ी सारे औजार निकाले, फिर मंत्री के सामने ही बैठ गया उस पत्थर को तराशने और तोड़ने. उसने हथौड़े से वार किया उस पत्थर पर, लेकिन वो पत्थर इतना सख्त था कि वो नहीं टूटा. ऐसे ही उसने कई बार प्रयास किए. लगभग 50 बार प्रयास करने के बाद भी जब वो पत्थर नहीं टूटा तो हार कर उस मूर्तिकार ने वो पत्थर मंत्री जी को वापस कर दिया और कहा कि इस पत्थर का कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं बन सकता. अब वो मंत्री उस पत्थर को लेकर एक दूसरे साधारण से मूर्तिकार के पास जाते हैं और वो पत्थर उसे देते हैं और सेम वही बातें करते हैं जो राजा ने ऑर्डर दिया था. अब दूसरा मूर्तिकार बिल्कुल साधारण सा था. उसने मंत्री जी के सामने ही बैठकर उस पत्थर पर अपने हथौड़े से एक वार किया और जैसे ही एक वार किया वो पत्थर टूटा. टूटने के बाद एक हफ्ते में उस साधारण से मूर्तिकार ने एक बढ़िया सी विष्णु जी की मूर्ति तैयार कर दी. और एक हफ्ते बाद जब उसने राजा के सामने वो पेश किया तो राजा ने खुश होकर उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी. तो दोस्तों, इस बात से क्या क्या रिवील होता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए. उस बहुत ही अच्छे मूर्तिकार ने न जाने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन 50 बार प्रयास करने के बाद उसने आखिर में आके अपनी हिम्मत छोड़ दी. उसने सोचा जब 50 बार प्रयास करने के बाद ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा. शायद वो 50 बार के बाद एक बार और उस पर हथौड़ा मारता तो वो पत्थर टूट चुका होता और वो 50 स्वर्ण मुद्राएं उसे मिल जाती. यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी काम करते समय इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हमें इस काम में सफलता मिलेगी कि नहीं. हमें प्रयास करते रहना चाहिए और अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो बहुत मुमकिन है कि हमें उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा. एक दो बार फेलियर होने से अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो वो प्रयास कोई काम में नहीं आता. हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए.
वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपके काम में आएगा। आज इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नए विचार लेकर। सुनते रहिएगा मेरा चैनल पॉलीबैन टीचर्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मेरा आए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।